तो वहीं सिरसा के बरनाला रोड आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में केंद्रीय बजट पेश होगा। बजट में इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करते हुए नदियों को जोड़ने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की जा सकती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाला बजट सरकार के विजन पर फोकस होगा। जहाँ देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। प्लस जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर कन्वर्सेशन जा रही है, पेट्रोलियम से अब एथेनॉल और फिर क्या पता हाइड्रोजन के ऊपर हम जाए, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वैल्यू एडेड इनिशिएटिव केंद्र इस बजट में लेकर आएगी, जो देश को आने वाले समय में कैसे और विकसित किया जाए उस पर कदम उठाए जाएंगे। प्लस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो भारतमाला का नया फेज लाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और बढ़ाने की बात हो, हर प्रदेश सरकार यही उम्मीद रखती है कि केंद्र इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर प्रदेशों को और ताकत देने का काम करेगी। खास तौर पर मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ लिवर करेंगे, जहां हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज लाने का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण